आज लुधियाना के चौड़ा बाजार स्थित शिवसेना पंजाब द्वारा राजीव टंडन की अगुवाई में एक रोष मार्च निकाला गया, जिसमें शिवसेना पंजाब के कार्यकर्ताओं ने खुद को रस्सियों में जकड़ा हुआ था। प्रदर्शन करने का तरीका अनोखा था। रोष प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों को हिंदुओं के प्रति जागृत करना मुख्य रूप से इस रोष प्रदर्शन का मकसद था, जिसमें राजीव टंडन ने कहा कि उनकी मांग है कि पंजाबी हिंदू लोगों को उनका बनता सम्मान पंजाब में दिया जाए, क्योंकि पंजाब के विभिन्न जगह पे हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत कहीं ना कहीं किया जाता है। इससे नाराज होकर आज यह अनोखा रस्सी बांध प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल असी अपने समाज में जा रहे हैं कि जिहड़ा हिंदुत्व की गल करेगा साडी वोट उन्हें होएगी, असी अपनी अपना वोट बैंक उधर शिफ्ट करांगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फिर कह रहा असी पंजाब 117 विधानसभा क्षेत्रों के जाना है, एक ही गल कर रही है भी आओ मिल के चलीए, एक झंडे थले कट्ठे होइए, अपना सारा वोट इस पार्टी को पाइए जिहड़ा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री हिंदू समाज तो बनावे। जिहड़ी उपेक्षा हो रही है आ जिन्ने बोर्ड लगे हुए हैं सारे जट सिखा या किसानों दिते, दसो कि हिंदू नूं दिते, खुश करने लिए दिते है, उन्होंने खुश करने लिए दिते है, दसो कि हिंदू का बोर्ड लगा दिखाओ मैनू, सारे फ्री बोर्ड उन्होंने दिते गए, सरकारी बोर्ड कहे हिंदू की फोटो है, असं कहने भारत भूषण आशु मंत्री है वो भी तो इतने फोटो चाहिए कितने है, जिन्हें कोई होर है, जिन्हें भी मुद्दे इतने लिखे गए हैं सारे ही जट समाज को खुश करने लिखे गए हैं, किसी कोई एक मुद्दा दसो शहरी वर्ग लिए ला लो, चलो असी लोग बिजली तो बहुत दुखी हैं, 12 रुपये बिजली का रेट भर रहे हैं, जबकि हरियाणा दिल्ली हिमाचल 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये बिजली बिल आती है, पर इतने की असं 12 रुपये बिजली का रेट भर रहे हैं। मेरे घर चो मेरे साथियों के घर चो हरेक घर के ना ना करते 5 तो 6 हज़ार रुपया साढ़े को जो नजायज बिल पंजाब सरकार ये कारण रहा है कि पंजाब के जो हिंदू आ पिछले 55 सालों तो गुलामी की जिंदगी जी रहा, उन्होंने उपेक्षित किया जा रहा सारिया राजनीतिक पार्टियां वालों भी, कोई राजनीतिक पार्टी ने अज तक अपना चेहरा हिंदू नहीं रखा, जेड़ा भी आता वह कहता साडा अगला चेहरा सिख मुख्यमंत्री हो, क्यों बई हिंदू 42% बैठा पंजाब के अंदर, वह हक कितने गया, साडा हक साडा हक रख, इस करके अज प्रदर्शन किया गया और अपने समाज में हिंदू समाज में और राजनीतिक पार्टियां यह दसया गया कि आने वाली 2022 दी चोणां दे विच कितें भुलेखे च ना रह जाइओ, हो सकता है इस भुलेखे दे विच कि हिंदुओं का की है, हिंदुओं का की है, इन्हां नूं तां जिधर लावांगे भेडां बकरियां मगरा उधर लग जाएंगे, असी भेडां बकरियां नहीं हैं, असी भेडां बकरियां मगरा नहीं चलना, कितें ये ना हो राजनीतिक पार्टियां दे थल्लों कुर्सी हिल जाए, पता लगे मुख्यमंत्री कोई हिंदू बन गया तो बाकी पार्टियां घरे बह गईआं।